ओ नंबर ओ एक और आ गया। हेलो भाई, हेलो भाई, हेलो भाई। अरे नहीं नहीं नंबर नहीं, मारना मत, लास्ट में फेयर फाइट करेंगे। हेलो, तुम हमारी टीम हट जाते हो, ये तो नंबर वन बोला। हाँ ये नहीं, बहुत नहीं, होता नहीं, यार। नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे। क्या क्या हे गाइस, अमन यार, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस गाइस, वीडियो में आगे चलते भाई उसी के साथ। तो यहाँ पे देखो भाई, कुछ सीन ऐसा है यार कि मैचेस में हैकर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब लिटरली अब तो यार क्या ही कहें, हर दूसरे मैच में हैकर्स हैं। और जैसे कि आप जानते हो, मैं हमेशा से भाई जोन में सेंटर प्रेफर करता हूँ, तो मेरे को उसमें रोटेशन में भाई बहुत दिक्कत कर दे रहे हैं ये लोग। क्योंकि जब भी मैं गाड़ी लेके रोटेशन करता रहता हूँ, बहुत टाइम ऐसा होता है कि भाई दूर से ही कोई बंदा उतार देता है। और क्या ही बोले भाई, तो अभी के लिए आप लोग का रैंक कुछ कैसा चल रहा है कॉमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी अभी के लिए देखो इस मैच में क्या होता है। तो भाई कुछ बात ऐसी थी, देखो यहाँ पे मैं ये पोजीशन देख के गया था सेकंड जोन में। बाकी उस वक्त मुझे लगा कि नहीं, ये पोजीशन होल्ड नहीं करनी चाहिए, तो मैं होल्ड नहीं करता। और जब दोबारा से यहाँ पे जोन बन जाता है, मैं आता हूँ तो एक बंदा रहता है जिसको एलिमिनेट कर देता हूँ। और यहाँ पे गाड़ी वाड़ी सही से लगाता हूँ, फिर तीसरी गाड़ी दिखती है भाई, मतलब दूसरी गाड़ी दिखती है, उसे भी एलिमिनेट कर देता हूँ। इतने में ऊपर से गाइस गाड़ी का साउंड आता है मुझे, और वहाँ पे काफ़ी बंदे फाइट वाइट कर रहे थे। तो अभी मैं जोन का वेट कर रहा था कि जोन जैसे ही बन जाए भाई, अगर यहाँ से निकलना होगा तो निकल जाऊँगा। क्योंकि देखो मुझे एज खेलना पसंद नहीं है, और इस जोन का सेंटर थोड़ा सा अजीब था, तो सेंटर में जा नहीं पा रहा था। बाकी जैसे ही मैं वहां से निकला गाइस, वहां पे पीछे मेरे बंदूक बास करके बंदा आ चुका था, जो कि बंदा हैकर था। मुझे अभी तक ये बात पता नहीं थी वो हैकर है, बट जैसे ही मैं निकलता हूँ, वो तीन बंदे जब वहां पे मारता है, तो मेरे को लगा नहीं भाई वो हैकर हो सकता है, और अच्छा ही किया मैं वहां से निकल गया। बाकी अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जब मजबूरी में मुझे कोई भी जगह नहीं मिलती रहती, तो एक गाड़ी आती है पीछे से। अभी देखो यहाँ पे, तो अभी गाइज मैं यहाँ पे छोटी सी गलती करता हूँ। मुझे मॉली यहीं से खींच के जानी थी और शैक में डाल देनी थी, बट मैं जाऊँगा अभी पीछे और फिर मॉली पिन करूँगा, जिससे बंदे को साउंड चला जाता है। बाकी अपनी नेडिंग स्किल तो आप जानते ही हो, सुभान अल्लाह है, मतलब लगती तो है नहीं किसी को। बाकी ये बंदे से गाइज अभी कैसे फाइट होती है आप देखो। तो यहाँ पे भाई कुछ भी करके इस बंदे को मार देते हैं, बंदे की गन रिलोड आ गई थी, तो मैं जैसे ही वापस से घुस के चढ़ के मार देता हूँ इसको। तो अभी के लिए सीन कुछ ऐसा है। देखो यार, मेरे मैक्सिमम मैचेस तो अच्छे जा रहे हैं, मतलब माइनस तो अभी भी नहीं लगा है मेरा। एक मैच में हाँ जीरो हुआ मेरा, पहला मैच मेरा माइनस लगा जो आज कल के दिन में, उसमें गाइस माइनस टू था, बट रेटिंग प्रोटेक्शन वो जो होता है उससे वो बच जाता है। और क्या ही बताएं भाई, इतने हैकर्स हैं कि अब जोन के बाहर रहने का मन हो रहा है, बट यार मेरे साथ सीन ऐसा है, मैं जोन के बाहर रहता हूँ ना, तो वापस से जब मैं इंट्री लेता हूँ तो जोन के एजेस मेरे से खेले नहीं जाते। और अभी के लिए सीन कुछ ऐसा है, देखो जोन मेरे से थोड़ा सा आगे जा चुका था, और वो बंदूक बाज करके जो हैकर है वो अभी पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में भाई हार्ड कवर छोड़ के ओपन जाना सेंस नहीं बनाता, इसीलिए मैं सोचा कि भाई जितना लेट हो सके उतना लेट जाऊंगा। और यहाँ जोन में भी एक स्मोक डाल दिया कि कोई लेजेंड बंदा भाई अगर कहीं से हो तो वो मेरे को ना मार पाए। और मैं पीछे की तरफ इसलिए देख रहा था गाइज, क्योंकि पीछे से भी बंदे निकलने थे जो कि अभी तक निकले नहीं थे। और यहाँ पे गाइज मैं अपनी गाड़ी ला के जोन में कवर बना लेता हूँ और पीछे की तरफ देखने लगता हूँ, जैसे ही कोई पीछे से आएगा मैं उसको भरूंगा। और गाइज ये काम आप भी किया करो, जोन में जब ऐसा सिचुएशन रहे तो भाई ट्राई करो पीछे वाले को एलिमिनेट करो, वरना भाई वो दिक्कत कर सकता है। और यहाँ पे मुझे फुटमार्क आ जाता है कि भाई बंदा आ गया है, तो मैं जान रहा था भाई ये बंदा थोड़ा सा लेट आया है, तो मे बी जोन का डैमेज भी पड़ा होगा इसको।
तो मैं चढ़ के इजली इसको यहाँ पे मार देता हूँ। सामने के साइड से गाइज हल्का सा साउंड आया था मुझे, तो मेरे पे जितने भी नेड मॉली थे मैं सब भर दिया। और आप सोच रहे हो कि मैं इतना रैंडम क्यों फेंक रहा हूँ, तो रीजन है भाई क्योंकि अभी वो हैकर मेरे पे ऊपर से शॉट्स लेने वाला है, देखना आप। जैसे ही मैं ऊपर भाई देखने जाता हूँ तो उसके शॉट्स आने वाले मेरे पे, और भाई मुझे पता था यहाँ पे मेरे पास एक पेटी भी है तो मैं तो नेड मॉली उठा ही सकता हूँ, इसलिए भाई मैं ज़्यादा ऐसा नेड पकड़ के नहीं मरना चाह रहा था, तो मैं इधर नीचे से ही ऐसे ही बिना देखे ही फेंक दिया। बाकी देखो अभी के लिए वो हैकर लॉबी खाली करे जाता है। और इस मैच में गाइस मेरा एक फ्रेंड भी था, और यहाँ पे आपने जैसा कि देखा होगा मेरे पे शॉट्स आते हैं, बट मैं नीचे हो जाता हूँ और शायद से इस बंदे को उस हैकर ने मार दिया तो मैं भी इसका रास्ता छोड़ देता हूँ। तो जैसा कि बता रहा था गाइस, इस मैच में मेरा एक फ्रेंड भी था और मैं यहाँ पे लेफ्ट में आ गया था भाई क्योंकि जोन फिर से आगे जा चुका था, तो मैं थोड़ा थोड़ा लेफ्ट कर करके इस पेड़ के कवर में आने का ट्राई कर रहा था। उतने मुझे लेफ्ट में एक बंदा स्पॉट होता है, जो कि गाइस बंदा ये मेरे फ्रेंड लिस्ट में है, पहले ये मेरे मतलब सब्सक्राइबर हुआ करता था और मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रखी थी इसने, तो भाई इसको मैंने गलती से मार दिया। अब गलती से क्या मार दिया भाई, मेरे को जब पता नहीं है कि तुम हो तो क्या ही बताएं उसको। तो अभी के लिए सीन कुछ ऐसा है भाई, वो हैकर मेरे पे फायर लेता रहता है और मुझे कहीं भी वो स्पॉट नहीं हो रहा था। देखो एक बारी को वो ओपन में खड़ा होता तो मैं पीक करके मारने का ट्राई करता, बट जब मुझे वो दिख ही नहीं रहा है, वो पेड़ों के बीच में से पता नहीं कहाँ पत्तुओं के बीच में से मार रहे जा रहा है मुझे, तो मैं क्या ही कर पाऊँगा उसका। तो इस टाइम पे मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई अपना किल ना ही दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे फिर भी मैं थोड़ा बहुत आगे पीछे किया कि भाई वो बंदा कहीं से तो फायर करे, बट अभी भी नहीं करता है, तो भाई एक गोली उसकी लगती है और मैं फिर जोन के बाहर ही अपना किल दे देता हूँ जोन को और इस बंदे से नहीं मरता हूँ। ये क्राउन वन का गेम प्ले था। बाकी अभी के लिए तो आप मेरी रैंक्स देख ही लियोगे, टॉप 66 एशिया में था मैं रात में, अभी के लिए टॉप 70-80 के बीच में हूँगा। रात भर खेल के मैं वापस से उसको टॉप 50 में घुसाने का ट्राई करता हूँ कल, मतलब आज की रात में। तो अभी के लिए गाइस सीन कुछ ऐसा था, मैं इस कंपाउंड में होल्ड कर रहा था सेकंड ये मैच देख लो अपना। तो यहाँ पे भाई मेरे को डर था नीचे कोई हो ना, बट लकीली यहाँ पे कोई होता नहीं है। और अभी के लिए मैं यहाँ पे काफ़ी देर तक होल्ड करने वाला हूँ, नेक्स्ट सारे जोन मेरे पे बनते चले जाते हैं। और जैसा कि मैं बोल ही रहा था गाइज आपको, देखो मैं हमेशा से सेंटर खेलना प्रेफर करता हूँ, तो यहाँ पे एडवांटेज भी रहते हैं उसके, वो आपको भी देखने को मिलेगा क्योंकि देखो एज पे जितने भी बंदे उनको हर बारी जोन में जाना होता है, 2 से 3 बारी जोन अगर हार्ड शिफ्ट लिया तो बहुत कम चांसेस है कि आप जोन में हर बारी इंट्री एक अच्छी पा पाओ, बिकॉज देखो हर जगह बंदे लेटे होते हैं, कहीं पे कोई हैकर बैठा हुआ है मोस्टली। अब यहाँ पे ही देख लो गाइस, इस मैच में भी एक हैकर बैन होता है, कल आपने मेरी स्टार्टिंग मॉन्टाज में भी देखा होगा, ये उसी का पूरा फुल वीडियो है। तो यहाँ पे वो हैकर बैन होता है और अनलिमिटेड डीपी चलाने लगता है, तो मैं ट्राई करता हूँ भाई कि अगर मुझे कहीं से स्पॉट हो जाए तो मैं किल ले लेता उसका, तो मेरा एक किल बढ़ जाता है यहाँ पे। बट भाई पता नहीं कितना दूर है वो, तो कुछ भी तो होना नहीं है यहाँ से। फिर भी मैं कुछ रैंडम फायर लेता हूँ कि क्या पता किस्मत अपनी अच्छी हो और कुछ लगी जाए उसको, बट यार यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है और उसको अभी एक बंदा मार देगा। तो यहाँ पे देखो भाई वो हैकर मारा गया, बाकी अपना हाल तो ठीक ही चल रहा है रैंक पुश में। और अभी के लिए गाइस मैं ट्राई करने वाला हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मैं प्लस कर पाऊँ मैं करूँगा, और बाकी मैंने पेड पुश के लिए भी सोच रखा था, बट अभी के लिए थोड़ा सा जैसा भी है अगर आईडीज़ मिलती हैं मुझे तो मैं करूँगा, वरना भाई मैं अपनी आईडी से ही कंटिन्यू लगे रहने वाला हूँ अभी के लिए। तो गाइज अभी के लिए यहाँ पे देखो मैं चारों तरफ बंदे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो अभी कुछ अलग ही होने वाला है। तो यहाँ पे एक बीआरडीएम वाला दिखता है तो मैं अंदर आपस से आ जाता हूँ, और यहाँ पे ये क्या था मेरे को समझ नहीं आया, और इतने में मेरा दिमाग हिल जाता है और मैं डिसाइड करता हूँ कि इसको तो देना है भाई अब चाहे जो हो जाए, और ये बंदे की बीआरडीएम मेरे तक आनी नहीं चाहिए, और वही करता हूँ मैं। तो भाई कभी कभी क्या होता है कि प्रोनेस दिखाना भी नुकसान हो सकता है आपका, यहाँ मैंने उसके चक्कर में एमो तो ख़राब कर दी, बट भाई वो बंदे ने जिस तरीके से मेरे को स्पॉट किया ना, मेरे को गलत लगा, मैं कहा भाई ये बंदा कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो पहला काम करो कि इसको निपटाओ चाहे जो हो जाए। और वो उस वक्त गए सबसे वल्नरेबल कंडीशन में था क्योंकि भाई मेरे हाथ में AKM और DP थी, और आप भी जानते हो भाई अगर आपके हाथ में AKM DP है तो BRDM वालों का क्या ही होगा अगर वो लॉन्ग रेंज में आपको दिख रहा है तो। बाकी अभी के लिए देखो मेरा एमो खत्म होने वाला था, तो मैंने जिसको मारा था मैं उसकी पेटी से जाके सब सामान वामान उठा लाता हूँ, पीछे फिर एक और BRDM दिख जाती है, और इस BRDM में जो बंदा बैठा था गाइस उसने बहुत सारे किल कर रखे थे, तो मैं यहाँ पे तो पहले मारता हूँ कि सच में वहाँ कोई बंदा है भी कि नहीं, क्योंकि गाड़ी में तो नहीं दिख रहा था। उतने में भाई BRDM चल जाती है, मैं कहा छोड़ो भाई इसको क्या ही मारना अभी,
तो अभी के लिए देखो यहाँ पे मेरे को जोन भी जाना था, तो एक गाड़ी का साउंड आता है मुझे, जिसको कि मैं दो बॉडी मारता हूँ, बट बंदा लकीली सर्वाइव कर जाता है, बट क्या ही कर सकते हैं यहाँ पे। और थोड़ा सा आगे मारता तो शायद से वो ट्रेस हो जाता। और अभी के लिए गाइस जोन थोड़ा सा आगे जा चुका था, तो मैं यहाँ पे स्मोक आगे करना चाह रहा था, लेकिन बार बार यहीं पे स्मोक घिरे जा रहा था। तो अभी फाइनली गाइस एक स्मोक आगे हो जाता है, तो मैं भी जोन में आगे निकलूंगा कुछ देर में। और यहाँ इस पेटी से मुझे कुछ और भी स्मोक्स मिलने थे आगे, तो मेरे को दिक्कत थी नहीं उतनी। सामने के साइड भी एक बीआरडीएम अभी है, आप देख ही सकते हो, तो वो बंदे से भी फाइट होगी अपनी। और यहाँ पे भाई मुझे जितना भी सामान मिल रहा था मैं उठाते जा रहा था, और ये बंदा पता नहीं कहाँ से आता है और अपनी धुन में ही भागे जा रहा था भाई, भागे जा रहा था, पता नहीं कहाँ जाना चाहता था ये, देश दुनिया छोड़ के। और अभी के लिए यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है, देखो मैंने आगे के लिए स्मोक वगैरह डाल दी अपने लिए, और ये भी आईडीएम वाले ने लास्ट बंदे को कुचल दिया है, तो देखो फिर इससे फाइट बची है हमारी। तो यहाँ पे देखो भाई स्नेक गेम में हमेशा मैं हार जाता हूँ, इसलिए भाई मैं खड़ा होता हूँ और इस बंदे पे जाके जंप शॉट लेके इसको फिनिश कर देता हूँ। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, और मिलते हैं गाइस शायद से मैं ट्राई करूंगा अगर मैं दूसरा वीडियो बना पाया तो। आज एक गाइस स्पेशल काइंड की वीडियो आने वाली है, मतलब स्पेशल काइंड क्या, मैं नया कॉन्सेप्ट ट्राई कर रहा हूँ, होप सो वर्क कर जाए। और देखते हैं गाइस ओवरऑल आज के दिन में मैं कितना प्लस कर पाता हूँ, आपको जल्दी मैं ट्राई करूंगा टॉप 50 में भी दिख जाओ। बाकी गाइस अगर अभी आप क्राउन या एस पे अटके हुए हो तो ट्राई करो दिन में 150 से 200 का प्लस लेने का। बाकी गाइस मिलते हैं बाद में, पीस आउट।